सत श्री अकाल विद्यार्थियों, मैं स्वाति बख्शी, कंप्यूटर फैकल्टी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पसियाना, तुहाडा इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत करती हाँ। अज असी दसवीं जमात का पाठ पहला ऑफिस टूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ांगे। टॉपिक्स हैं टैंपलेट्स अते मेल मर्ज। बच्चों, लैक्चर शुरू करन तो पहला मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी करना चाहनी हाँ कि सुनी हुई गल उदो ही याद रहती है जेकर उसनू लिख लिया जाए। मैं उम्मीद है कि लैक्चर दौरान तुसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नू जरूर लिखोगे। बच्चों, हुण असी टॉपिक शुरू करते हाँ। साडा पहला टॉपिक है टैंपलेट्स। टैंपलेट्स की वरतों असी अपनी डेली रूटीन विच भी करते हाँ। आओ इसनू एक उदाहरण नाल समझिए। जिवें कि तुहानू तुहाडे अध्यापक एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट देंदे हन, तुसी उस फॉर्मेट विच कुछ बदलाव करके उसनू परसनलाइज कर लेंदे हो। कुछ बदलाव जिवें कि तुहाडा नाम, रोल नंबर, जमात आदि। इसी तरह MS ऑफिस भी कुछ फीचर्स प्रोवाइड करांदा है जिसनू टैंपलेट्स कहा जाता है। ये फीचर्स MS ऑफिस 2010 अते उस तो बाद वाले वर्जन ची उपलब्ध हैं। टैंपलेट्स की वरतों करके असी समा अते मेहनत की बचत कर सकते हैं। आओ बच्चों, हुण टैंपलेट की परिभाषा पढ़िए। एक टैंपलेट एक फाइल है जो एक नवे दस्तावेज लई शुरुआती बिंदु वजों कम करता है। जदों तुसी टैंपलेट खोलते हो तां ये पहला तो फॉर्मेट किया डॉक्यूमेंट नज़र आता है। इनवॉइसेस, सर्टिफिकेट्स, ब्रोशर्स, कैलेंडर्स, रिज्यूम्स आदि टैंपलेट्स दियां उदाहरण हैं। बच्चों, असी इस पाठ विच रिज्यूम बारे पढ़ांगे। रिज्यूम तुहाडी सिक्ख्या, काम दे तजर्बे, प्रमाण पत्रां अते प्राप्तियां दा लिखती संग्रह है। बच्चों, असी MS वर्ड विच टैंपलेट्स नाल रिज्यूमे तैयार कर सकते हाँ। स्टार्ट बटन उत्ते क्लिक करना है। MS वर्ड 2010 दी चोन करो अते क्लिक करो। तुहाडे सामने वर्क एरिया खुल जाएगा। बच्चों, रिज्यूमे एक दस्तावेज होंदा है जो एक व्यक्ति द्वारा अपने हुनर अते प्राप्तियां नू पेश करन ले वर्त्या जांदा है अते बनाया जांदा है। रिज्यूमे दी वरतों कई कारणां करके कीती जा सकती है, परंतु अक्सर रोजगार सुरक्षित करन ले वर्ते जानते हैं। एक रिज्यूमे विच संबंधित नौकरी दे वेरवे अते सिक्ख्या दा एक सार होंदा है। आओ बच्चों, रिज्यूमे टैंपलेट्स राही कीवें तैयार करने हां ओ सिखदे हां। फाइल बटन उत्ते क्लिक करो। फाइल टैब उत्ते क्लिक करो। न्यू ऑप्शन दी चोन करो। अवेलेबल टैंपलेट्स जो कि पहला तो ही वर्ड विच मौजूद हैं तुहाडे सामने नजर आ रहे हैं। रीसेंट टैंपलेट्स, टैंपलेट्स, माई टैंपलेट्स, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग अते MS वर्ड 2010 सानू office.com तो टैंपलेट्स प्राप्त करन दी सुविधा प्रदान करता है। जिवें कि असी रिज्यूम बना रहे हाँ, असी रिज्यूम्स दी चोन करांगे। रिज्यूम्स दी चोन करन सार ही तुहाडे सामने टैंपलेट्स दियां ऑप्शंस खुल जाणगियां। तुसी अपनी मनपसंद टैंपलेट दी चोन कर सकते हो। ओ टैंपलेट
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੋਰ ਨੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਡੇਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਬ ਟਾਈਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਬਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਸ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦਬਾਓ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ MS Excel ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, MS Excel ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MS Excel ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵਾਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। MS Excel ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की चोन करो अते क्लिक करो तो हाड़े सामने एक वर्कबुक खुल जाएगी। फाइल टैब उत्ते न्यू ऑप्शन की चोन करो। तुसी अपनी स्क्रीन उत्ते देख रहे हो कि टेम्पलेट्स की कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ टेम्पलेट्स पहला तो ही एक्सेल विच मौजूद होंदे हैं, जिवें कि ब्लैंक वर्कबुक, रीसेंट टेम्पलेट्स, सैंपल टेम्पलेट्स आदि। अते कुछ टेम्पलेट्स नूं अति office.com तो भी प्राप्त कर सकते हैं, जिवें कि बुक्स, बिजनेस फॉर्म्स, लॉग्स, पेपर जां इनवॉइसेस। अज असी इनवॉइसेस उत्ते चर्चा कर रहे हैं, तो असी इनवॉइस उत्ते क्लिक करांगे। office.com इनवॉइस नाल संबंधित सारे टैंपलेट्स तुहानू स्क्रीन उत्ते शो करेगा। तुसी अपना मनपसंद टैंपलेट चुनना है। चुने हुए टैंपलेट दा प्रीव्यू तुसी सज्जे पासे देख सकते हो प्रीव्यू विंडो च। जेकर तुहानू टैंपलेट ठीक लगता है तुसी उसनू डाउनलोड कर सकते हो। तुसी अपना मनपसंद इनवॉइस टैंपलेट चुनो अते डाउनलोड उते क्लिक करो। तुहाडा चुनिया होया टैंपलेट हुण तुहाडी वर्कशीट उते आ चुकिया है। बच्चों, तुसी इस टैंपलेट विच अपने मन मुताबिक एडिटिंग यानी बदलाव कर सकते हो, जिवें कि लोगो नेम नू एडिट कर सकते हो। लोगो नू सिलेक्ट करो, चेंज पिक्चर उत्ते क्लिक करो, अपनी मनपसंद पिक्चर दी चोन करो अते इंसर्ट कर लो। उसे तरह कंपनी नेम, तुसी अपनी कंपनी दा नाम इत्थे इंसर्ट कर सकते हो, भर सकते हो। कंपनी दा नाम लिखन तो बाद एड्रेस, एड्रेस विच तुसी बदलाव कर सकते हो। फोन नंबर एंटर कर सकते हो। बिल दा नंबर चेंज कर सकते हो। डेट भी बदल सकते हो, पर इनवॉइस टेम्पलेट सानू ए सुविधा प्रदान करता है कि उस उत्ते अज दी डेट शो होवे। इसलिए असी बराबर है टूडे फंक्शन लगाते हैं जां फॉर्मूला लगाते हैं। कस्टमर आईडी चेंज कर सकते हो टू बिल किस दे नाम दा है, किस नाम ते कटना है ओ भर सकते हो। शिप टू किस नू अगे भेजना है ओ भरिया जाता है। सेल्स परसन एथे नाम चेंज कर सकते हो। टैंपलेट सानू प्री डिफाइंड फॉर्मेट प्रदान करते हैं, जिसनू असी अपनी मन मुताबिक चेंज या एडिट कर सकते हैं। जिवें कि असी जानते हाँ
कि इनवॉइस एक तरह का बिल हुंदा है। इसलिए असी हुण इत्थे खरीदे गए वस्तुआं दा वेरवा भरांगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी दा मतलब है किन्नी मात्रा विच वस्तु खरीदी गई है। मन लो असी इत्थे क्वांटिटी 1 एंटर करते हैं। आइटम, तुसी एक बैग खरीदया है। डिस्क्रिप्शन, मन लो ओ लाल रंग दा है। यूनिट प्राइस, इसका अर्थ है एक वस्तु का मुल किन्ना होगा। मान लो ये 300 रुपए का है। डिस्काउंट, तहानू एक वस्तु उत्ते किन्ना डिस्काउंट मिले है। डिस्काउंट पर नाल ही तुसी देखोगे कि तुहाडा टोटल यूनिट प्राइस अते डिस्काउंट दा माइनस होके प्राप्त होया है। टेम्पलेट्स विच सानू ए जानन दी लोड नहीं पैंदी कि गणनावां किवें करनियां हन। आओ बच्चो, हुण असी नेक्स्ट आइटम एंटर करदे हां। मान लो क्वांटिटी 2 है। तुसी पेन खरीदे हन अते जेल पेन खरीदे हन। एक पेन की कीमत 10 रुपए है। तुहानू डिस्काउंट 2 रुपए मिलया है। तुसी देखोगे लाइन टोटल 18 रुपए है। थर्ड आइटम एंटर करदे हां। तुसी 4 आइटम्स खरीदियां हन। नोटबुक्स खरीदियां हन अते डिस्क्रिप्शन विच हिंदी लिख दिन्ने हां। यूनिट प्राइस 50 रुपीज है। डिस्काउंट तुहानू कोई नहीं मिलिया, 0 एंटर किया है। तुसी देखोगे कि यूनिट प्राइस एक नोटबुक का मुल 50 रुपए है अते तुसी 4 नोटबुक्स खरीदिया हन तो टोटल मुल 200 रुपए आ गया। जेकर असी टोटल डिस्काउंट देखिए तो सानू मिले हुए डिस्काउंट्स का जोड़ है अते सब टोटल लाइन टोटल का जोड़ है। जेकर तुसी टैक्स की परसेंटेज एंटर करना चाहते हो तो एंटर कर सकते हो, यह ऑप्शनल है। तुसी देखोगे कि टोटल विच सब टोटल अते सेल्स टैक्स का जोड़ होकर कुल टोटल यानी टोटल आ चुका है। इस तरह तुसी इनवॉइस तैयार कर सकते हो। है ना बच्चो, ये कितना आसान। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मेल मर्ज। मेल मर्ज की वरतों करके मल्टीपल रेसिपेंट्स यानी कि एक तो वध रेसिपेंट्स नू ईमेल्स, लैटर्स, एनवलेप्स आदि भेजे जा सकते हैं। मेल मर्ज की वरतों करके तुसी समा ते मेहनत की बचत करते हो। आओ मेल मर्ज की परिभाषा अते इसनू करना किवें है एक प्रेजेंटेशन राही सीखते हाँ। स्प्रेडशीट की वरतों करके तुसी मेल मर्ज की वरतों किस तरह करोगे। मेल मर्ज की वरतों कई स्रोतों यानी कि डाटा सोर्स तो इक्को समय कई दस्तावेज बनाने लिए की जा सकती है। दस्तावेज इक्को जहे लेआउट, फॉरमेटिंग, टैक्सट अते ग्राफिक्स दे हुंदे हन। व्यक्तिगत बनाने लिए हरेक दस्तावेज दे खास भाग जिवें कि एड्रेस, नाम आदि वख वख जानकारी दे नाल भिन्न हुंदे हन। दस्तावेज जो मेल मर्ज नाल तैयार कर सकते हाँ वह हन लैटर, लिफाफे यानी एनवेलप, बल्क मेलिंग लेबल
अते ईमेल्स। मेल मर्ज दी प्रक्रिया विच तीन कंपोनेंट्स डॉक्यूमेंट शामिल होंदे हन। मुख दस्तावेज जो तुहाडा टैंपलेट है ए एम एस वर्ड विच बनदा है। निजी जानकारी लई डाटा स्रोत ए एम एस एक्सेल विच तैयार किया जाता है। अते तुहाडा मर्ज डॉक्यूमेंट जिहड़ा कि तुहाडा फाइनल डॉक्यूमेंट होएगा वह भी वर्ड विच बनेगा। आओ बच्चे हुण असीं मेल मर्ज बारे पढ़ते हैं। सब तो पहला एम एस वर्ड विच असीं एनुअल रिपोर्ट विच एक फॉर्मेट बनावांगे। तुहाडे सामने एम एस वर्ड की विंडो नज़र आ रही है, फॉर्मेट बनिया होया है। तुसी देखो इत्थे विद्यार्थियों के वेरवे जिवें कि दाखला नंबर, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, हरेक विषय के नंबर अते उसका रिजल्ट। असी एक एक्सेल वर्कशीट तैयार की है जिस विच विद्यार्थी का दाखला नंबर, रोल नंबर, पिता का नाम, विषयवार प्राप्त किए अंक जिवें पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, हिसाब, साइंस, समाजक अते ईवीएस के ग्रेड्स भरे हुए हैं। असी कुल अंकों की गिनती एम एस एक्सएल ऑटोसम फंक्शन, तुहाडे सामने ऑटोसम फंक्शन है नाल कीती है। सब तो पहला उस सैल उत्ते क्लिक करो जिथे ऑटोसम अप्लाई करना है। ऑटोसम उत्ते क्लिक करो, अपने सैल्स की रेंज की चोन करो अते एंटर की दबाओ। सैल नू सिलेक्ट करके हेठां वल ड्रैग करो, तुहाडा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। नैक्सट है परसेंटेज। परसेंटेज लई फॉर्मूला असी लगावांगे। सब तो पहले बराबर है दा निशान, बराबर है तो बाद एम टू गुणा सौ बटा कुल अंक। एंटर की दबाओ। उसे तरह परसेंटेज के फॉर्मूले नू भी कॉपी कर लवो, हेठां वल ड्रैग कर लो। लास्ट जिहड़ा कॉलम है रिजल्ट का, उस विच रिजल्ट टाइप करो। तुहाडी फाइल तैयार है, इसनू सेव कर लो। सेव करने लई तुसी दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका है फाइल ते जाके सेव ऑप्शन की चोन करो, अते दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल अते एस की कठिया दबाओ, तुहाडी फाइल सेव हो जाएगी। असी दोबारा वर्ड वाली फाइल खोलते हाँ जिस विच असी फॉर्मेट तैयार किया सी। मेलिंग टैब की चोन करो, स्टार्ट मेल मर्ज उत्ते क्लिक करो, लैटर्स की चोन करो। लैटर ऑप्शन क्लिक करन तो बाद सेलेक्ट रेसिपेंट्स, सेलेक्ट रेसिपेंट्स ते क्लिक करो। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट नू सेलेक्ट करो। बच्चो जेकर असी उस एक्सेल दी लिस्ट बनाई हुई है इसलिए असी यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट टाइप करांगे। अपनी फाइल जिथे तुसी सेव कीती है उसनू चुनो। सिलेक्ट टेबल डायलॉग बॉक्स की वरतों करके एक्सेल शीट नू चुनो, ओके बटन उत्ते क्लिक करो। तुसी देखोगे
कि ओके बटन उत्ते क्लिक करते सार ही तुहाडा राइट एंड इंसर्ट फील्ड एक्टिव हो गया। तुसी अपने कर्जर नू उस जगह ते रखो जिस जगह ते असी एक्सेल शीट विच वैल्यू नू करना है। हुण मर्ज फील्ड ऑप्शन ते जाओ। जो कि राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप विच है। ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। तुसी चुनी हुई एक्सेल वर्कशीट दे फील्ड्स एथो इंसर्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग जिहड़ी तुहाडी फील्ड्स ने तुसी वारी वारी करके सारे इंसर्ट करोगे। हुण सब्जेक्ट्स दे नंबर पंजाबी इंसर्ट मर्ज फील्ड उत्ते क्लिक करना है। पंजाबी दे मार्क्स इंसर्ट मर्ज फील्ड इंग्लिश इसे तरह बार बार क्लिक करते हुए तुसी मार्क्स एंटर करोगे। कंप्यूटर साइंस टोटल विच टोटल अंक आते रिजल्ट। क्लास विच क्लास एंटर करोगे इतने असी टोटल मार्क्स एंटर कर देने हैं। मान लो तुहाडे पेपर 100 अंकां दे हैं, कुल अंक 100 हैं। तुसी मर्ज फील्ड इंसर्ट कर चुके हो। फील्ड्स नेम एक एक करके भर चुके हो। सारे फील्ड्स नू इंसर्ट करन तो बाद असी प्रीव्यू रिजल्ट्स ऑप्शन नू क्लिक करके विद्यार्थियों के नतीजे का प्रव्यू देख सकते हैं। असी नेविगेशन बटन वरतों करके अगले अते पहले विद्यार्थी के नतीजों नू भी देख सकते हैं। तुहाडे सामने पहला रिजल्ट आ चुका है। नेम रजिंदर सिंह, एडमिशन नंबर 1, फादर्स नेम मदर्स नेम अते उसके हर विषय के अंक। एंटर हो चुके हैं। सैकेंड रेसिपेंट देखते हाँ बच्चों। जो सैकेंड उत्ते क्लिक किया है नाम चेंज हो गया है। एडमिशन नंबर मार्क्स सैकेंड विद्यार्थी के इनपुट हो चुके हैं। फिनिश अते मर्ज ऑप्शन ते क्लिक करो अते मेनू ते एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स दी चोन करो। नवा डॉक्यूमेंट मर्ज होने तो बाद बन जाएगा। उसका डायलॉग बॉक्स तुहाडे सामने नजर आ गया है। फ्रॉम तुसी किन्ने पेज मर्ज करना चाहते हो, किन्ने रिकॉर्ड्स दा डाटा मर्ज करना चाहते हो। असी इत्थे 1, 2, 5 एंटर कर दे। ओके उत्ते क्लिक करो। हुण एक नवा वर्ड डॉक्यूमेंट दर्शाए अनुसार जिस विच सारे विद्यार्थियों की रिपोर्ट कार्ड होंगे खुलेगा। असी इस दस्तावेज नू सेव कर सकते हैं अते प्रिंट भी लै सकते हैं। बच्चों सेव करन लई शॉर्टकट की कंट्रोल
प्लस एस दोनों कठियां दबानियां हन अते अपने डॉक्यूमेंट नू सेव कर लवो। तुसी अपनी मनपसंद दा नाम अपनी फाइल नू दे सकदे हो। फाइल सेव करन तो बाद इस नू प्रिंट भी कीता जा सकता है। फाइल टैब ते जाके प्रिंट ऑप्शन दी चोन करो। प्रीव्यू विच देखो वन ऑफ फाइव, जदों तुसी सेकंड पेज देखोगे तुसी देखोगे कि तुहाडे रेसिपेंट्स हर पेज ते चेंज हन। मेल मर्ज दी वरतों मल्टीपल रेसिपेंट्स नू चिट्ठियां अते मेल्स ईमेल्स भेजन लई कीती जांदी है। तुसी अपने प्रिंटर दी चोन करो अते प्रिंट ऑप्शन उत्ते क्लिक करो। इस तरह तुसी मेल मर्ज दी वरतों करके एनुअल रिपोर्ट शीट जा रिपोर्ट कार्ड बना सकते हो। बच्चों असी पाठ पहला ऑफिस टूल दे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर ले हन। मैनू उम्मीद है कि तुसी लैक्चर नू ध्यान नाल सुनिया समझिया अते देखिया होवेगा। हुण असी एक क्विज करन जा रहे हाँ जिस विच तुसी पार्टिसिपेट करना है अते अपने आप दा मुलांकन करना है। मैनू उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी पूरे अंक प्राप्त करनगे। ऑल द बेस्ट। सब तो पहला प्रश्न है टेम्पलेट्स की सुविधा एमएस ऑफिस दे केड़े वर्जन तो उपलब्ध है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर एमएस ऑफिस 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों टेम्पलेट्स की वरतों करके सिर्फ रिज्यूम बनाया जा सकता है, यह स्टेटमेंट सही है जां गलत? इसका सही उत्तर है गलत। टेम्पलेट्स विच कई तरह के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं जिवें कि इनवॉइसेस कार्ड्स इनविटेशंस आदि। अगला प्रश्न एमएस वर्ड 2010 की एक्सटेंशन की है? इसका सही उत्तर है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट्स राही प्राप्त डाटा नू एडिट कीता जा सकता है, ए सही है जां गलत? हाँ, असी टेम्पलेट्स विच लोड़िंदे बदलाव कर सकते हाँ अते उसनू सेव भी कर सकते हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 विच टेम्पलेट वर्कबुक विच पहला तो ही फॉर्मूला लगे होंदे हैं, ए स्टेटमेंट सही है जां गलत? ए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवी फाइल खोलने लई केड़ी शॉर्टकट की वर्ती जांदी है? इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस एन। अगला प्रश्न एमएस एक्सेल 2010 दी एक्सटेंशन की है? इसका सही उत्तर है .xlsx। अगला प्रश्न फाइल नू सेव करन लई केड़ी शॉर्टकट की वरती जांदी है? इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस एस। मैनू उम्मीद है बच्चों तुहानू इन्हां सारे प्रश्नों का उत्तर पता होगा क्योंकि तुसी सारे लैक्चर नू बहुत ही ध्यान नाल सुनिया देखिया अते समझिया है। थैंक यू वेरी मच।